भले ही बेघर हो गए हूँ, लेकिन अमेठी के लोगों का प्यार अब उमड़ रहा है राहुल के लिए। अब भले ही घर छोटा हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जगह तो दिल में होनी चाहिए। दरअसल अमेठी के इन लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा लिए हैं। पोस्टर्स पर लिखा है, मेरा घर राहुल गांधी का घर। और इन पोस्टर्स के जरिए ग्रामीणों ने राहुल गांधी को उनके घर में आकर रहने को कहा है। अब ये तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। मोदी सरनेम विवाद में उन्हें सजा हुई, उसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब राहुल को 12 तुगलक लेन का बंगला खाली करना होगा। ये घर उन्हें 2004 में अमेठी से चुनाव जीतने के 10 महीने बाद आवंटित हुआ था। ये पहली बार था जब राहुल ने राजनीति में कदम रखा था और वो सांसद बने थे। यानी राहुल इस सरकारी बंगले में लगभग 18 साल से रह रहे थे। इससे पहले राहुल लंबे समय तक अपनी मां सोनिया गांधी के घर 10 जनपद के बंगले में ही रहते थे। हाल ही में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तब राहुल ने कहा था कि उनके पास अपना कोई घर नहीं है। अब वाकई ऐसा हो गया है कि उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। लोगों को राहुल का बयान याद है, इसलिए वो कह रहे हैं कि चर्चा में रहने वाले राहुल जो अच्छी जानी मानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आखिर उनके पास घर कैसे नहीं है और उनके पास संपत्ति कितनी है। आइए जानते हैं। 2019 के चुनाव के पहले राहुल ने जो एफिडेविट जमा किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास 15,88,00,000 रुपए की संपत्ति है और 72,00,000 रुपए का लोन है। 2014 में उनकी संपत्ति 9.4 करोड़ थी। राहुल के ऊपर 72,00,000 रुपए का लोन है और उनके पास खुद की कार नहीं है। राहुल की चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी 5,88,58,799 रुपए है और अचल संपत्ति 10,08,18,284 रुपए है। उनके पास 40,000 कैश है, वहीं 17,93,000 रुपए अलग अलग बैंकों में जमा है। इसके अलावा उन्होंने 5,19,00,000 रुपए बॉन्ड शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। वहीं अगर राहुल गांधी की जमीन की बात करें तो उनके पास सुल्तानपुर महरौली दिल्ली में एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसमें प्रियंका गांधी की भी हिस्सेदारी है। इस संपत्ति की मार्केट वैल्यू करीब 1,32,00,000 रुपए बताई जाती है। इसके अलावा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में उनके पास कुछ नहीं है। कमर्शियल लैंड की बात करें तो उनके पास गुरुग्राम में एक ऑफिस स्पेस है, जिसकी कीमत 8,75,00,000 मानी जाती है। इसके अलावा उनके पास 333.3 ग्राम सोना है। 17-18 में उनकी कुल इनकम 1,11,85,570 रही। 2019 के इस एफिडेविट के मुताबिक राहुल के इनकम सोर्स ये हैं। सांसद के तौर पर मिलने वाली सैलरी, जिसकी अब तस्वीर बदल जाएगी क्योंकि वो अब सांसद नहीं रहे। इसके अलावा रॉयल्टी इनकम, रेंटल इनकम, बॉन्ड से मिलने वाला इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड और कैपिटल गेन। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।